a new course about AirMob, self-clicking and Genuine. To start the video, first of all, I request you to subscribe my channel and press the bell icon before starting the course. I will give you instruction what type of accounts and softwares you will need it for this course. Today the video is about the softwares and the accounts you need. We will discuss step by step this course in next videos. First of all, you will need a Gmail account, brand new Gmail account with real info, real country and real mobile number. After making Gmail account, you should need AirMob account. You will make the AirMob account by writing AirMob in Google. It is for the beginners and also for those who have worked before. After making the AirMob account, you need an AdSense account. In AdSense account, when AirMob is verified, you should enter your real info, your real name, your real address, your real country and your real mobile number. And for those whose AdSense account has been disabled before, they should enter a fake name. They will change it when AdSense verify. और बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं जब एडसेंस वेरीफाई हो जाए। दूसरी बात, एडसेंस अकाउंट वेरीफाई होने के बाद गूगल एडसेंस आपसे आपकी आइडेंटिटी अपलोड करने के लिए बोलता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी अपलोड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर अगर आपका एडसेंस डिसेबल्ड हो जाए और बाद में आपने अर्निंग की और उस आइडेंटिटी जो पहले से ब्लॉक हुई तो और फिर काम नहीं करेगी। तो जब तक आप मतलब 21 तारीख को ये विड्रॉ देते हैं, 20 तारीख को आपने आइडेंटिटी अपलोड करनी होगी। बाद में एड्स आपके आते हैं अगर आप आइडेंटिटी अपलोड नहीं भी करते जीमेल, AirMob और एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद। आपके पास एक मोबाइल होना जरूरी है। मोबाइल अगर नहीं तो आप लैपटॉप या पीसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको पीसी या लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, उसकी एक रीजन है। और ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको देने वाला हूँ और मोबाइल में काम नहीं करते और लैपटॉप में काम करते हैं। अब आपने एंड्रॉइड ऐप को अपने मोबाइल में कैसे रन करना है, इसके लिए आपके पास एक एमुलेटर होना चाहिए। मीमो एमुलेटर आपने इसको डाउनलोड करना है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो एक फोल्डर में आपने इसको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी यूज के बारे में। मीमो एमुलेटर एक ऐसा एमुलेटर है जिसमें से आप बेहद तो 3-4 मोबाइल के जरिए काम कर सकते हैं। आपके पास वीपीएन होना जरूरी है। आपको मैं पेड वीपीएन दूंगा, मुकम्मल तौर पर पेड वीपीएन आपको मैं दूंगा इस काम करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास है, ये है एक्सप्रेस वीपीएन। एक्सप्रेस वीपीएन में ट्रायल पीरियड करने के लिए आपको मैं 100 के जीमेल लिस्ट भी दूंगा। आप एक्सप्रेस वीपीएन के ट्रायल पीरियड को 7 दिन के बाद फिर इस इमुलेटर में कैसे यूज करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। इसमें एक है 7EWANT क्लीनर, अगर आपके पास नहीं तो मैं आपको अपलोड करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 100 के जीमेल लिस्ट भी आपको दूंगा, सीसी क्लीनर सेटअप आपको दूंगा, एक्सप्रेस वीपीएन, ये मीमो एमुलेटर सेटअप है 7.2.2, अब 7.2.5 भी आ गया है, आपने उसको डाउनलोड करना है। नॉर्ड वीपीएन है, ये है टीमैक, बहुत आला पाई के सॉफ्टवेयर है, आपने इसको यूज करना होगा जरूर। ये और सॉफ्टवेयर जो है जो कि मोबाइल में रन नहीं हो सकता, मेरे पास जो है ये मोबाइल में रन नहीं हो सकता, इसको आपने कंप्यूटर में रन करना है और फिर आपने वर्क करना है इस एमुलेटर में, ठीक है जी। टर्बो वीपीएन है और वीपीएन हब है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपने किस तरह यूज करना है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे आगे
आपने एक काम करना है, आपके पास अगर प्ले स्टोर का अकाउंट नहीं है तो अपनी एड्स आपने नहीं बनानी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपने एड्स बनाने हैं, क्योंकि हम कुछ एप्स है जिसकी सीपीसी बहुत ज्यादा हाई है, जैसे मेक मनी ऑनलाइन, ये एक ऐप है इसकी सीपीसी बहुत ज्यादा हाई है, इसमें से हमने अपनी एड्स लगाने हैं और एफिकेटेड के जरिए, लेकिन शो नहीं होते नॉलेज, किस तरह शो करने हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए कहा कि आपने अपने एड्स खुद से नहीं बनाने, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एड्स बनाने हैं। गूगल वालों को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह आपने एड्स बनाए हैं और आपका ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।